आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी महंगाई, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर रामलीला मैदान में भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आज रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रैली से पहले सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर जुटे थे। यहां से सभी बस में सवार होकर रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए। पार्टी में जहां इस रैली की तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं पुलिस ने सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए हैं। ये सभा 7 सितंबर से कांग्रेस की तरफ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित की गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उजागर करने और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जनसंपर्क यात्रा है, जिसमें पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।